ठाक है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बस ईद की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियत है। आज भी हम लोग नहीं इन्वाइट थे, तो लेकिन अंजल ने कहा कि मम्मी अभी ये इन्विटेशन जो है इनकमिंग को और आउटगोइंग सारी अभी बंद करें, क्योंकि ट्यूसडे को इसका पेपर है, लास्ट पेपर है मैथ का। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, अभी हम कुछ दिन घर पे रहते हैं, तो हम भी जो दावते करेंगे वो बाद में मैं करूँगी, क्योंकि इसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ईद का करके और ये कुर्बानी का करके तो बहुत ज़्यादा ये जा नहीं सका है कैदी ना। तो हालांकि उन्होंने बुलाया हुआ था कि आप लोगों ने ज़रूर आना है 2 घंटे के लिए, तो आज ये जाएगा, आदिल का मैसेज आया हुआ है। इसलिए मैंने अभी ये सारी चीज़ें ना अभी एक साइड पे रखी हैं और घर ही में रहकर हम लोग खाते पीते हैं जो भी करना है। और आप लोग सुनाए, आप लोगों का आज का दिन कैसा गुजरा है? मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुमा मुबारक। और मैं भी बस अब कुकिंग कर रही हूँ, चावल बना रही हूँ, साथ में कबाब बना रही हूँ। बस आज भी ज़रा बादल हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बारिश नहीं होगी। तो हम लोगों को, मैं अभी सफाई वगैरह से फारिग होके, फ्राइडे है, उठे भी लेट थे, तो यहाँ अंजल बैठा पढ़ रहा है। प्लीज़ आप सब लोग अंजल के दुआ के लिए दुआ करना, मैथ का पेपर है। अंजल इधर देखो। हाय। तो बस अब ये पढ़ रहा है, मैंने कहा ठीक है तुम अपना पढ़ाई को टाइम दो। तो मैं आई हूँ इधर किचन में, क्योंकि अब जाहिर है कुकिंग भी करनी है। ये मैं कबाब बनाने लगी हूँ कच्चे कीमे के, सारा कुछ मैंने मैरिनेट करके रख दिया था तकरीबन 2 घंटे पहले ना, सुबह के बल्कि समझे रखा हुआ है मैंने। और अब मैं चावल बनाने लगी थी, चावल भिगो के रखे हैं, क्योंकि बच्चे जो है चावल खाते हैं कबाब के साथ, मेरे बच्चे बीफ वगैरह बिल्कुल नहीं खाते हैं ना, बस सिर्फ कीमे की शेप में खाएंगे, गोश्त हो मटन का या बीफ का ये बिल्कुल नहीं खाते। चिकन इनको जितना मर्ज़ी दे दो। ये मैंने प्याज काट के रखा है, इसका मैं सैलड बनाऊँगी। और बस अभी यही मैं करने लगी हूँ कुकिंग। और हमारे किचन की जो वेंटिलेशन है वो भी सोच होंगे, बस जल्दी से मैं तेरे खाना खिला के बच्चों को, तो फारिग हो जाओ मैं। बच्चे जो इतना ज़्यादा इसके मीट के जो रेड मीट है उसके शौकीन नहीं है। चावल मैंने बिल्कुल सादा बनाए हैं, बस वो कबाब के साथ शौक से खा लेंगे, रायता हो साथ में केचप हो तो कबाब ऐसे वो खा लेंगे, भी ज़्यादा हो जाएगा उनका। बाकी अगर मैं गोश्त वाला पुलाव बनाती वो बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि बहुत कम खाते हैं रेड मीट। तो इनके डैडी जो हैं वो काम पे चले गए हैं, उनको कोई काम था, गाड़ी का कुछ करवाना था, तो उनको मैंने कबाब बना के खिला के फारिग कर दिया। शुक्र है अल्लाह के खाना तैयार हो गया और मैं लेके कमरे में आई हूँ। बाहर बिल्कुल नहीं खाया जाता, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो खाना जो है इसी के ही अंदर खाऊंगी सारे, क्योंकि उसके बगैर बैठते कोई नहीं। राफी क्या कर रहे हो बेटा? मैंने खाना रख दिया हुआ है, खाना देख रहे हो? ये देखो मैंने खाना, राफी बैठो इधर, ये चावल कबाब अंदर नज़र आ रहे हैं। राफी फ़ौरन बैठ जाओ, कबाब बहुत मज़े के हैं, यकीन करें इंशाल्लाह किसी दिन आपको इसकी रेसिपी दूंगी। तो बस चलो और खाना शुरू करो, ठंडा हो रहा है। आ जाओ बंटी, ये केचप भी रख दो। तो ठीक है, आप लोगों से मुझे यही कहना है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाने का टाइम है और यकीनन इस टाइम आप लोग भी अपने घर में खाना खा रहे होंगे, तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है। तो मैं करती हूँ आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।